वार्ड में श्री कृष्ण गौशाला समिति के संरक्षक शैलेन्द्र यादव, कालू अध्यक्ष दिलीप मित्तल एवं सचिव प्रेम दादिच ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले दो वर्षों से संभाग में अनूठे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गौ माताओं के लिए 56 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर सजाया जाता है और गौ माता को खिलाया जाता है। मकर संक्रांति पर दान का एक विशेष महत्व होता है। इस दिन किया गया दान 100 गुना होकर फलदायी होता है। इस बार भी 108 प्रकार व्यंजनों की प्रसादी भोग लगाई गई है। संक्रांत का बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है और तृतीय हमारा विशाल के नाम 56 भोग का आयोजन है। ये आज भी रहेगा, कल भी रहेगा। 1100 गौ माताओं के नाम से सारे शहर के लोग आके अपने हाथ से 56 भोग लगाते हैं और हम ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते हैं कि अनवरत चलता रहे और ये आगे इससे बड़ी सफलता रहे और लोगों को भी इससे प्रेरणा मिला, बाकी गौशालाओं को वो भी इस तरह का आयोजन करें। क्या खास व्यंजन होते हैं हम लोगों का? कहाँ से मिल जो 56 भोग ठाकुर जी को लगाए जाते हैं वही 56 भोग इनमें बनाए जाते हैं, क्योंकि ये भी इनमें भी 36 कोटि देव देवता है। भगवान कृष्ण के हिसाब से प्रिय अगर कोई चीज़ है तो गौ माता है, इसलिए जो 56 भोग बनाया हुआ है बनाया गया है यहाँ वही बनाया गया है ठाकुर जी के जो लगता है।